बॉलीवुड फिल्मी फ्रॉड्स। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, हमने इस नाम से ये सीरीज एक शुरू की है जिसमें हम फ्रॉड की अलग अलग कहानियां शेयर करेंगे, किस तरह से फ्रॉड होता है वो शेयर करेंगे। तो बहुत से लोगों ने अपनी कहानियां शेयर की हैं हमारे साथ, बट लोग कतराते हैं सामने आने से। और एक बड़ा अनोखा तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे लोगों का एक्सपीरियंस फ्रॉड के बारे में लोगों को नॉलेज होती जाती है, तो जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो नए नए तरीके इजाद करते हैं फ्रॉड करने के, नई नई तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो आज एक ऐसा ही एक अनोखा एक तरीका मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ कि किस तरह से नए एक कलाकार को भरोसे में लेके और उसके साथ फ्रॉड किया जाता है। और फिर हम बाद में ये डिस्कस करेंगे कि ये फ्रॉड क्यों है और हम क्या कर सकते हैं और ये फ्रॉड होता क्यों है, एक्टर के साथ फ्रॉड होता क्यों है और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये हम बात करेंगे। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ जो ये किस्सा जो है फ्रॉड का मैं शेयर करूंगा, ये मेरी क्लास के 2-3 स्टूडेंट्स के साथ हुआ और उनकी अपनी गलती थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि सामने वाला ज्यादा चालाक है या वो उसने बेवकूफ बनाया, इन लोगों की अपनी गलती है जिसकी वजह से इनके साथ फ्रॉड हुआ। तो हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। मेरे लास्ट बैच में कुछ लोग थे क्लासेस में, तो एक लड़का उनमें से, उसने मुझसे कहा, सर मुझे बस कुछ दिन की ट्रेनिंग चाहिए, सिर्फ एक महीना मुझे आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर दो तो मुझे कोई फिल्म में काम मिल रहा है। तो जब उसने मेरे पास आना शुरू किया तो मैंने कहा, यार हमारा डिक्शन में लैंग्वेज में इतना प्रॉब्लम है, तुमको कोई काम कैसे दे सकता है। नहीं सर, मेरे को वहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई, काम मिलना चाहिए। तो अब उसने क्या किया, मेरी क्लास के और 2-3 लड़कों को सबको, मतलब वो एक कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर दे दिया, जाओ उसको आप मिलो। अब यहाँ हम क्या है कि किसी का नाम नंबर शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें किसी को बदनाम नहीं करना है, किसी को किसी के पेट पे लात नहीं मारनी। भाई उनका अपना धंधा है, वो चला रहे हैं, ठीक है चलाने दो, अपनी सेफ्टी देखना हमारा काम है, तो वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, लेकिन अपनी सेफ्टी हमें देखनी है। अब ये लोग चले गए। अब जाने के बाद ऑडिशन दिए वहां पे, अब वो जो कास्टिंग डायरेक्टर था उसने कई फिल्मों के, ये फिल्म की कास्टिंग कर रहे हैं, ये फिल्म बन रही, फिल्मों के नाम बता दिए, बड़े बड़े एक्टरों के नाम बता दिए, नाना पाटेकर है, नसीरुद्दीन शाह है, ये है फलाना एक्टर, टीम का एक्टर, सलमान खान प्रोडक्शन, ये बहुत बड़े बड़े नाम के। अब ये लोग जाके फ्लैट, अच्छा ऑफिस सेटअप किया हुआ, और भाई ऐसा है वैसा है। अब उसने क्या किया, काम क्या उसका, कि जो भी आप ऑडिशन देने गए, आपको एक्टिंग आती है नहीं आती है, आप बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो, अच्छे हो बुरे हो, आप आज ऑडिशन दे के आए, नेक्स्ट 1-2 दिन में आपको कॉल आएगा कि भाई आप सेलेक्ट हो। अगर आपने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, तो उस हिसाब से नहीं, हमारे पास ऐसे कैरेक्टर हैं जहाँ पे डायलॉग नहीं है, आपको खड़े होना है, इस तरह से है, बहुत सारे ग्रुप है, आपने थोड़ा सा अच्छा बोल दिया तो थोड़ा सा अच्छे कैरेक्टर का आपको लालच दे दिया कि आपको ये कैरेक्टर देंगे। मतलब एक यहाँ पे कहावत है कि जैसा माथा देखते हैं वैसा तिलक करते हैं, या सामने वाले को देख के पुड़िया बांधी जाती है। मतलब ये कि उनको दिख रहा है कि हाँ सामने वाला नहीं, उसने कुछ परफॉर्म नहीं किया तो ठीक है, उसको उस हिसाब से लपेटो, अच्छा एक्ट किया उसको उस हिसाब से लपेटो, क्योंकि उसको सामने वाले को मालूम भाई मैंने एक्टिंग किया ही नहीं है, तो उसको बोलो ठीक है यार, ये ग्रुप है 20-25 फौजियों का ग्रुप है, पूरी फिल्म में रहेगा, स्टार्ट टू एंड रहेगा, आप पूरी फिल्म में रहोगे, कोई बात नहीं है, अभी इस बार डायलॉग नहीं है, नेक्स्ट टाइम डायलॉग मिलेगा, आप सीख जाओगे पूरी कहानी होने के बाद। अब आएंगे असली मुद्दे, अब उसके बाद बात आती है, अच्छा आपके पास आर्टिस्ट कार्ड कौन सा है। नॉर्मली जो नया एक्टर होता है ना उसके पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं होता, और जिसके पास आर्टिस्ट कार्ड होता है वो ऐसी जगह जाता है, और आर्टिस्ट कार्ड के नाम पर बहुत लूट मची, बहुत ज्यादा लूट मची है। पॉइंट क्या है, मैं यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे लूट क्यों है, ध्यान में रखना जरूरी है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। आप कहीं भी फोटो भेजेंगे ना तो
वहां से फोटो भेजा, आपने वीडियो भेजा, आपको मेल आएगा, मैसेज आएगा कि आप फलाने फलाने प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, अब आपका एग्रीमेंट होगा, ये होगा, आप डॉक्यूमेंट भेजिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये चीज हो, वो चीज फलाना टीम का भेजिए, और एंड में नीचे होगा आर्टिस्ट का। यही सारा खेल है। खेल क्या है कि जो भी इंसान, जो भी नया बंदा ऐसे किसी एड या किसी भी नंबर पे फोटो भेजेगा, उसको ना तो एक्टिंग की नॉलेज है, ना इंडस्ट्री की नॉलेज है, तो आर्टिस्ट कार्ड तो उसको उसके पास होगा ही नहीं, उसको नॉलेज भी नहीं होगी, सीधी सी बात। और जिस आदमी के पास आर्टिस्ट कार्ड है, या सिंटा का मेंबर है, या शिवसेना का मेंबर है, मनसे का मेंबर है, या जो भी जेन्युइन कार्ड है उसके पास, और उसको जिसके पास भी जेन्युइन कार्ड है उसको इन सब झोल झपाटों की नॉलेज होती है, वो इस चक्कर में पड़ेगा। और आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे 2,000-4,000 किसी की जेब से निकाले जा सकते हैं, बहुत इजी सी बात है। और इसमें ज्यादातर जो है 15-20 साल से लेके 25-30 साल तक के लोग, वो लोग फंसते हैं जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, केपेबल नहीं है, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर और अपने बॉम्बे आने के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्चा कर सकते, बट 2,000-4,000 रुपए आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे खर्च कर देते हैं। और वो एक ऐसा अमाउंट है कि जिसके लिए ना बॉम्बे लड़ने के लिए आओगे, ना कहीं कोर्ट केस करोगे, ना दोबारा, बस ये सोचोगे यार इंडस्ट्री खराब है। चलिए ये तो ये मैटर हुआ। अब उसने क्या किया कि आर्टिस्ट कार्ड कौन सा है आपके पास, अब उसको भी मालूम है कि आर्टिस्ट कार्ड के नाम से फ्रॉड होता है, लोग अवेयर है, तो उसने क्या तरीका फॉलो किया वो आप देखिए। तो लड़के बोले सर कोई भी नहीं आया। बोले देखो यार अभी ये कैरेक्टर के जो जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया उनको बोला कि ये फिल्म है, इसमें फौजी के कैरेक्टर है और पूरी फिल्म में रहेंगे, डायलॉग नहीं है तुम्हारा। एक लड़के ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया तो उसको बोला हीरो के साथ कुछ दोस्त का फ्रेंड का रोल है, अच्छा रोल है, और आर्टिस्ट कार्ड पूछा कोई एग्रीमेंट बनेगा, आर्टिस्ट कार्ड चाहिए, सर आर्टिस्ट कार्ड तो नहीं है। तो देखो यार हम या तो सिंटा का कार्ड प्रेफर करते हैं, नहीं तो फिर हमारा एक, उन्होंने एसोसिएशन का नाम बताया, एक ऐसा नाम बताया कि जो काफी फेमस है। और मैंने भी जब सुना तो मुझे ये लगा यार ये नाम तो बहुत फेमस है, बड़े बड़े इवेंट्स लोग करते हैं, आर्टिस्ट कार्ड कब से बना है, मैंने तो सुना नहीं, मेरा तो इतना एक्सपीरियंस यहाँ पे हुआ मैंने तो सुना नहीं। तो ये बोला गया तो आप सिंटा का कार्ड बना लो या आप हमारा ये कार्ड बना लो। सिंटा का कार्ड बनाने जाओगे तो 10,000 आपको देना है फर्स्ट टाइम, फिर नेक्स्ट ईयर 10,000, फिर उसके बाद 10,000, तब आपका कार्ड परमानेंट होता है। और ये हमारा जो कार्ड है ये 7,500 का है, ये आप बनवा लो और आपके सामने ऑप्शन है। बोले हमारी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं कि आप हमारा कार्ड बनवाओ। अब यहाँ आदमी भरोसा एक लड़के ने मुझे बोला, तो मैंने कहा भाई देखो, एक ने तो आके मुझे बोला कि सिंटा का बनवाना है मुझे, और दो लड़कों ने, दो या तीन लड़कों ने वहीं उनको 7,500 का निकाल के दे दिया। और एक मेरा स्टूडेंट बोला नहीं सर मेरे को तो सिंटा का ही बनाना है, क्योंकि सिंटा फिर मान लो इनका कार्ड इनकी शूटिंग में तो चलेगा लेकिन और कहीं नहीं चलेगा तो फिर मुझे बनाना पड़ेगा। तो अब मेरे पास वो लोग आके उनसे सलाह मशवरा किया, पूछा, मैंने कहा भाई देखो मुझे यहाँ पे बॉम्बे में इतने साल हो गए काम करते हुए, मैंने ये कार्ड नहीं सुना है, ठीक है होगा जेन्युइन भी हो सकता बट मैंने सुना नहीं है। और फिर एक बात यह है कि यार अगर आप सिंटा का कार्ड बना लेते हो तो फिर वो आपका सब जगह चलेगा। नहीं सर वो बंदा जेन्युइन है, वेबसाइट दिखाने लगे, ये वो सब ऐसा है वैसा है। तो मैंने कहा देखो मैं तो सिंटा का ही कार्ड प्रेफर करूंगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये 7,500 देखे आपको शूटिंग में जाने का मौका मिल रहा है, वो ये लगता है कि नहीं शूटिंग में चले जाएंगे 10 दिन 15 दिन, वहां चाहे पैसा भी ना मिले आपको सिर्फ सीखने को ही मिल रहा है, तो भी ये 7,500 ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर बाद में ये पता चले कि 7,500 देके उन्होंने कोई कार्ड थमा दिया आपको, आगे कुछ नहीं हुआ, तो फिर क्या करो? नहीं सर वो जेन्युइन है ऐसा नहीं। अब इतनी बात जब मैंने सुनी, उनकी वेबसाइट देखी, तो मुझे भी लगा हाँ भाई जेन्युइन होगा, हो सकता है शायद कुछ काम हो। तो
मैंने कहा अगर तुमको लगता है ना कि ये जेन्युइन है तो मैंने कहा वो तुम्हारा डिसीजन है भाई, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। मैं अभी भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप सिंधा का कार्ड बनाओ या शिवसेना का बनाओ, क्योंकि कुछ भी 19-20 मान लो तुमने कार्ड बना लिया, नहीं शूट हुआ, आगे नहीं चला, तो फिर आपके पास अपना एक सिंधा का है तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी ना। बट नहीं, वो लोग माने, उन्होंने 3 लड़कों ने दे दिया पैसा निकाल के। कार्ड निकालने के बाद अब उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने सामने वालों ने जो जैसा बोला था कि एग्रीमेंट हो जाएगा फिल्म का, उन्होंने एग्रीमेंट दे दिया उन तीनों लड़कों को जिन्होंने कार्ड के लिए पैसे दिए थे। अब एग्रीमेंट दिया तो उस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं। अब देखने वाली बात यह कि आपने ऑडिशन किया है, जो भी है आप कास्टिंग कर रहे हो 2017 सितंबर, हाँ सितंबर या अक्टूबर का महीने में ये सब चल रहा मैटर, और जो एग्रीमेंट दिया उसमें शूटिंग डेट आपने कब की मेंशन की है, 2019 जून, यानी कि सीधा सीधा 1.5-2 साल बाद की डेट है उसमें। अब आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। और वो एग्रीमेंट भी मतलब देखने से पता चलता है कि नहीं, अब एग्रीमेंट भी फेक है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अब 1.5 साल बाद का एग्रीमेंट मिल गया आपको, आप क्या करेंगे भाई। सीधी सी बात है, 1.5 साल आदमी बॉम्बे में रहेगा, बहुत कुछ दुनिया बदलता बदल जाती 1.5-2 साल में, बहुत कुछ हो जाता। तो पहले तो हम इस पॉइंट पे बात करेंगे कि ये फ्रॉड कैसे है। तो पहली चीज, जो भी छोटे छोटे जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, जैसे ग्रुप में जो होते हैं, नॉर्मली उनके एग्रीमेंट नहीं होते हैं। मैंने बहुत काम किया है तो नॉर्मली 1-2 दिन का जहाँ काम है तो वहाँ पे एग्रीमेंट नहीं होते हैं। एग्रीमेंट नॉर्मली वहाँ किए जाते हैं जहाँ कुछ कैरेक्टर जो स्टैब्लिश होते हैं, फ्रेम में दिखते हैं, जो प्रोमिनेंट होते हैं, जो पहचाने जाते हैं। ऐसे अगर ग्रुप दिखाना है कि यार 50 फौजी हैं, तो 50 फौजी के लिए वो एग्रीमेंट नहीं करते हैं। वो तो एक दिन पहले बोलेंगे हाँ यार 50 लड़के चाहिए आप ले आओ, सामने जो कोऑर्डिनेटर होता है, जो सप्लायर होता है, वो भेज देता है। तो पहली चीज तो ये। दूसरा, जो वो एग्रीमेंट का फॉर्मेट मैंने देखा तो देखने से पता चला फेक है, वो कुछ भी डिटेल उसमें नहीं दिया हुआ है, ना उसमें जो प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन वाले हैं उनके साइन है, ना उसमें जो आर्टिस्ट है उसका साइन लिया है। और नॉर्मली एग्रीमेंट वो वैलिड होता है जो स्टैम्प पेपर पे, आप सिंपल पेपर पे कुछ लिख के भेज देंगे एग्रीमेंट, वो कोर्ट में उसकी कोई वैल्यू नहीं, कल को आप चाहें कि उससे कोर्ट केस करेंगे नहीं कर सकते। अब अगला सवाल ये है कि अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस आपकी जेब से 7,500 गए, बिल्कुल गए, आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हो, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपसे 7,500 रुपये कार्ड बनाने के लिए कार्ड बना के आपको दे दिया। तो यहाँ वो कह देंगे भाई हमने तो कार्ड बनाने का पैसा लिया था, कार्ड हमने दे दिया बना के। और जहाँ तक काम की बात है तो काम का एग्रीमेंट है, आप 1.5 साल का एग्रीमेंट है, 1.5 साल बाद का जो भी 1.5-2 साल का, तो 1.5 साल तक तो आप वैसे ही कुछ नहीं बोल सकते। जो सही काम करने वाला बंदा होगा वो 1.5 साल में बॉम्बे में वैसे सेट हो जाएगा, उसको फिर इस काम की जरूरत नहीं है। और जो नहीं टिकने वाला होगा वो वैसे चला जाएगा, जो नहीं टिकेगा वो अपना अपने गांव चला जाएगा, अपने शहर चला जाएगा, वो वैसे नहीं टिकेगा यहाँ पे। तो वो हर तरह से सेफ है। आप जाके अगर काम के लिए भी बोलते हो कि नहीं यार ये गलत है, या आपने आर्टिस्ट कार्ड गलत बना दिया या ये, तो उन्होंने ठीक है तुम्हारे को काम का एग्रीमेंट दिया ना, बैठो अब जब फिल्म शुरू होगी तभी तो ना। अगर 1.5 साल बाद बोले हमारी शूटिंग हमारी डेट के अकॉर्डिंग नहीं होती है या हम आपको काम नहीं देते, तब आप बोल लेंगे, तो तब तक 1.5 साल तक आप कुछ बोल नहीं सकते। और 1.5 साल के बाद दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है, आप पता नहीं आप बॉम्बे में रहोगे नहीं रहोगे, वो वहाँ रहेगा नहीं रहेगा, तो कुछ नहीं। तो यहाँ हम उसको फ्रॉड भी नहीं बोल सकते, यहाँ हम कह सकते हैं कि नहीं किसी चीज़ को गलत तरीके से बेचा गया है। ऐसी चीज़ आपको बेच कुछ गलत प्रॉमिस करके कोई चीज़ बेच देते हैं ना, जैसे आजकल बहुत चल रहा है कि ये लोगे तो पतले हो जाओगे, ये खाओगे तो मोटे हो जाओगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन ये सब झूठ बोल बोल के चीजें लोगों को बेची जाती है। तो ये एक चीज की गलत तरीके से मार्केटिंग है, ठीक है वो अपना कार्ड बेच रहा। अब क्या है कि अब
आर्टिस्ट कार्ड जरूरी है, लेकिन आर्टिस्ट कार्ड जेन्युइन होना चाहिए। अब क्या होता है कि यूनियन कोई भी बना सकता है, जो यूनियन का एक्ट है, आप कुछ उनकी फॉर्मेलिटीज आप यूनियन बना सकते हैं, बट वो यूनियन फंक्शन भी तो करना चाहिए। आप कितनी फर्जी कंपनियां हैं, कितने फर्जी एनजीओ हैं, फर्जी कंपनियां खोलते हैं लोग पैसे का घोटाला करने के लिए, बट उन्होंने कंपनी खोली है ना। इसी तरह से कि ठीक है, उनको समझ में आता है कि आर्टिस्ट कार्ड बनाते हैं तो वो अपना जो यूनियन की फॉर्मेलिटी है वो पूरी करते हैं, एक ऑफिस लेते हैं और वो यूनियन का कार्ड बना के देते हैं। तो कार्ड को आप फेक या फर्जी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जो उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो सही है, वो खरा है, लेकिन वो कोई काम नहीं करते। उन्होंने कार्ड दे दिया बना के, उनका काम खत्म। आप शूटिंग में कोई प्रॉब्लम होती है कुछ नहीं होगा, कोई नहीं, बस उनका मतलब है कि नए आर्टिस्ट से पैसा वसूल। अब अगला पॉइंट ये आता है कि ये फ्रॉड होते क्यों या ये किससे होते क्यों, क्यों लूटा जाता है। तो इंसान को लूटता कौन है, इंसान को ठगता कौन है, मैं बताता हूँ। इंसान को उसका लालच ठगता है, उसकी खुद की जो एक किसी चीज को बिना मेहनत के, बिना कोशिश के हासिल करने की जो इच्छा है वो ठगती है, मेहनत ना करने की जो इच्छा है वो ठगती है, बहुत आसानी से किसी चीज को हासिल करने की इच्छा है वो ठगती है, सामने वाला नहीं ठगता। अगर आप को किसी ने ठगा है, बेवकूफ बनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला ज्यादा चालाक है या इंटेलिजेंट है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने लालच के उसमें आ गए, अपनी लालच की वजह से ठगे। कहा होता है अंग्रेजी में कि एवरीथिंग ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं, लेकिन जरूरत से ज्यादा चमकने वाली चीज तो बिल्कुल ही नहीं। अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा चमकती है तो वो तो बिल्कुल बिल्कुल ही फेक। तो यही चीज यहां पे भी लागू होती है कि जब आपको ये लगे कि कोई चीज आपको बहुत आसानी से मिल रही है, या आपको किसी चीज के लिए बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ रही है, या ऐसा लगता है कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग होने लगता है, हम कहीं मिलने गए और हमें लगा कि नहीं यार यहाँ काम हो गया, यहाँ आते ही हो गया मुझे कुछ, बिल्कुल बहुत आसानी से जब आपको लगे कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जेन्युइन जगह जब जाओगे ना आप काम करने, वहां आपको कोई भाव नहीं देगा, बहुत इंतजार करना पड़ेगा, बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी, किसी से मिलने के लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा, ऑडिशन होगा एक बार, दो बार, चार बार ऑडिशन होगा, आपको सब जो भी अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट, फोटो, वीडियो, ये सब करना पड़ेगा। वहीं किसी फेक जगह जाओगे, आपने अपना मोबाइल से सेल्फी फोटो खींच के भेज दिया, उन्होंने बुला लिया, हाँ आ जाओ, ये सेलेक्ट हो गया, ये प्रोजेक्ट है, साइट रोल है, ये रोल है, तरह तरह के वो किससे चले गए। तो कभी भी किसी चीज को बहुत आसानी से बिना मेहनत के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के जब आप हासिल करने का सोचते हैं तब आप ठगे जाते हैं। कहते ना, कान यहां से पकड़ो या यहां से, तो इसको कहते घुमा के कान पकड़ते हैं। तो और एंड में जब हम देखते हैं कि यार हमारा खर्चा भी हो गया, हमारा पैसा भी चला गया, हमारी मेहनत भी चली गई और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, तो वहीं आप सही जगह पे, सही रास्ते पे चलो, सही जगह पैसा खर्च करो, अपने हिसाब से करो, मेहनत करो। तो सही रास्ते पे जब चलेंगे, ठीक है थोड़ा सा लंबा आपका रास्ता हो जाएगा, थोड़ी मेहनत होगी, लेकिन उसका रिटर्न आएगा। वही पैसा खर्च के अगर आप खर्च अपने ऊपर करो, ट्रेनिंग के ऊपर करो, आज आपने ट्रेनिंग ली, एक्टिंग सीखी, तो वो जो हुनर आपके पास आएगा वो सारी जिंदगी आपके साथ रहने वाला है। वो जो इंडस्ट्री में घूम के एक्सपीरियंस आप इकट्ठा करो, वो नॉलेज आपके साथ रहने वाली है। आपने एक जेन्युइन आर्टिस्ट कार्ड बना लिया, सिंटा का या शिवसेना का जो भी, तो वो एक प्रॉपर्टी आपकी लाइफ टाइम होगी। आप उसके बेसिस पे कहीं भी आप काम पा सकते हो, कहीं भी वो आप एज एन एक्टर अथॉरिटी है। हाँ, यहाँ एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आर्टिस्ट कार्ड से काम नहीं मिलता, एक अथॉरिटी है कि आपकी आइडेंटिटी एज एन एक्टर हो जाती है, लेकिन काम ऑडिशन से ही मिलता है। तो वो एक आपके पास हो गया, आपने अच्छे फोटो खिंचवाए, आपने अच्छे वीडियो बनाए, वो आपका एसेट है आगे काम के लिए। तो अगर पैसा खर्च करना ही है तो आप सही जगह करो, सही तरीके से करो, तो वो चीज आपको लाइफ टाइम काम आएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि दिखावे किसी की बातों में ना आए, लुभावने वादों में ना आए कि मैं तुम्हें काम दे दूंगा, मेरे पास पोर्टफोलियो बना लो, आर्टिस्ट कार्ड बना लो, मैं ये कर दूंगा,
बिल्कुल नहीं। अपनी मेहनत करें, अपना ट्रेनिंग करें, जो भी है अपने हिसाब से काम करें ताकि, और जो इन्वेस्टमेंट है अपने हिसाब से करें ताकि वो चीज आगे आपको चल के काम आए। अब हमारा अगला पॉइंट कि भाई इन चीजों से बचा कैसे जा सकता है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इस फिल्मी फ्रॉड से बचना बहुत सिंपल है। कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज, आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे, पोर्टफोलियो के नाम पे, काम के नाम पे, एग्रीमेंट के नाम के नाम पे, ऑडिशन के नाम पे, किसी भी नाम पे आदमी ये कह के तुम ये कर लो मैं तुमको काम दिला दूंगा, बिल्कुल नहीं करो। सीधा मना करो, जरूरत ही नहीं। ठीक है, सब चीज जरूरी है लेकिन आप अपने हिसाब से करो। लेकिन कोई अगर आपको ये प्रॉमिस करता है कि तुम मेरे पास आर्टिस्ट कार्ड बनाओ मैं काम दूंगा, बिल्कुल नहीं। मेरे पास पोर्टफोलियो बनाओ मैं काम दूंगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सिंपल सा बात, और दूसरी कोई दूसरा कुछ भी नहीं। हाँ, एक चीज जैसे रजिस्ट्रेशन जो कुछ कास्टिंग एजेंसीज करती है, यहाँ थोड़ा सा मामला अलग है। बहुत सारी कास्टिंग एजेंसीज हैं जो रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेती और बहुत सारे लोग लेते हैं। तो अब जो लोग लेते हैं रजिस्ट्रेशन फीस, वहां आपको देखना है कि इनका बैकग्राउंड क्या है, इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। और रजिस्ट्रेशन फीस नॉर्मली 2,000-3,000 के रेंज में ही होती है। और वहां 2-3,000 अगर आप देते हो और आपको उनके पास से एक या दो दिन का भी शूट मिल जाता है तो आपके वो 2-3,000 वसूल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ये देखना आपका काम है कि वो आदमी जेन्युइन है नहीं है। तो उसके लिए यह है कि भाई कुछ जो भी आर्टिस्ट उनके साथ काम कर रहे हैं उनसे पूछो कि आप कौन कौन से शोज के लिए आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप आर्टिस्ट भेज रहे हो, तो वो बताएंगे कि ये शोज हैं, कौन कौन से आर्टिस्टों को काम दिला है। फिर कुछ आर्टिस्ट भी मार्केट में ऐसे मिल जाते हैं जो आपको रेफर करेंगे, भाई वो आर्टिस्ट वो कोऑर्डिनेटर के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं, बट वो इतना चार्ज करता है। मेरे भी कुछ जानने वाले कोऑर्डिनेटर हैं जिनके साथ मैंने बहुत काम किया है और मैंने भी रजिस्ट्रेशन फीस पे की है। तो भाई बिजनेस है, उनका भी अपना बिजनेस है, वो लोग भी ऑफिस लेके बैठे हैं, खर्चा करते हैं, तो वो भी कमाने के लिए बैठे। समाज सेवा यहाँ कोई भी नहीं कर रहा, कोई भी आपको यहाँ पे एक्टर बनाने के लिए नहीं बैठा, अपना बिजनेस करने के लिए, चाहे वो जेन्युइन है या फेक। आपका फायदा देखना आपका काम है। यहाँ जो भी इंसान बैठा है उसको आपके आपके करियर से, आपकी एक्टिंग से, आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं। आपकी लाइफ से जो फर्क पड़ता है किसी चीज से, वो सिर्फ आपको पड़ता है। तो ये देखना आपका काम, सामने वाला पैसा देना है। हाँ, एक चीज मैं बोलूंगा, जो जेन्युइन आदमी कभी भी आपको फेक प्रॉमिसेस नहीं करेगा। ऐसे प्रॉमिस नहीं करेगा कि तुम मेरे पास रजिस्ट्रेशन करो मैं आपको काम दूंगा, नहीं करेगा बिल्कुल। अगर जेन्युइन आदमी तो बिल्कुल नहीं करेगा। वो लोग किस तरह से, अब जैसे मेरे जो कोऑर्डिनेटर वो कैसे बात करेंगे, आप जाओगे उनके पास, ठीक है भाई हमारी रजिस्ट्रेशन फीस है ये 3,000 रुपए, आप रजिस्ट्रेशन करो अपना ऑडिशन दे दो, आपके लायक कुछ काम आएगा तो बताएंगे, आएगा तो बताएंगे। ये 3,000 रुपए जो आप दे रहे हो ये काम की गारंटी नहीं है। आपका डेटा हमारे पास आ गया, ये पैसा हम ले रहे हैं क्योंकि आपका डेटा हम मैनेज करेंगे, आपका ऑडिशन 10 जगह हम भेजेंगे, आपके पास अगर कोई काम आता है फिर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बट वहाँ ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको 10 जगह घूमना नहीं है, 10 जगह ऑडिशन नहीं देना है, तो ठीक है। बट फिर भी ध्यान रखने की जरूरत है। और जो फेक लोग होंगे, फेक आदमी होगा, वो क्या बोलेगा, ठीक है हाँ मेरे पास आप रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ ना काम, अभी ये शूट आने वाला है, ये आने वाला, वो आने वाला, हाँ ठीक है आप रजिस्ट्रेशन कर दो दे दो, और आपने रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद फिर वो हाँ आ रहा है ये है वो है। और जो जेन्युइन आदमी होगा वो पहले ही बोल देगा, क्यों, वो ये चाहता है कि भाई ये मैं इसको फेक प्रॉमिस कर दूंगा, मुझे तो काम करना है, ये कल से मेरे को फोन कर करके परेशान करेगा। तो ये चीज है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बहुत आसानी से फ्रॉड से बच सकते हो अगर आप अपने अंदर से बहुत आसानी से स्टार बनने का, एक्टर बनने का लालच निकाल दो। क्योंकि पैसे लेके आपको कोई भी एक्टर नहीं बना सकता है, बिल्कुल नहीं बना सकता। और ये तो आज की थोड़ी बात हमारी लंबी हो गई। अगर आप में से भी किसी के साथ कभी कोई ऐसा फ्रॉड हुआ हो तो आप हमारे पास आइए, हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, हम दुनिया के साथ शेयर करेंगे। हो सकता है जैसा आपके साथ हुआ वैसा औरों के साथ नहीं। एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को बताना बाकी रह गया, तो मुझे लगा कि बताना चाहिए बट वो बात रह गई, तो मैं अभी आखिर में बता देता हूँ।
जब ये सब जो पैसे का कार्ड का जो इन लोगों का बात चल रही थी, तो वो बंदे ने कैसे भरोसा दिला, अरे यार तुम लोग क्या सोचते हो कि मैं को तुम्हारे 7,500 से कुछ होने वाला है क्या, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा स्टाफ मैंने रखा हुआ है, ये वो, और अच्छा बॉस ऑफिस बनाया और तुम्हारे 7,500 से मेरा क्या होगा। तो लड़के भी सोचते हैं हमारे 7,500 से क्या होगा इसका ये, बट सोचने वाली बात ये है कि भाई आपके जैसे दिन में एटलीस्ट 10 लोग जाते हैं वहाँ पे, 10 लोग दिन में जाके 7,500 देते हैं, तो 10 आदमी ने दिन में अगर 7,500 रुपये दिया तो कितना होता है, दिन का 75,000 और महीने का 21,00,000 रुपये से ऊपर। तो सोचने वाली बात है।